तो कैसे हो आप सब? आज देखिए, आज है आंवला नवमी, तो आज हो रहा है पूजा आंवला नवमी का। आंवला के पेड़ का पूजा होता है, तो वहाँ एक छोटा सा पेड़ है जिसमें पूजा सब कर रहे हैं, हमने भी किया। तो ये है मंदिर, देखिए शिव जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे सब तरफ हरियाली ही हरियाली है, आप देख पा रहे होंगे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पे छठ होता है और इतने सारे सब यहाँ पे, सब ये जो तालाब है ना, तालाब के किनारे किनारे ये सब बनाए हुए हैं छठ के लिए, घाट जिसको बोलते हैं। और वहाँ पे है तालाब, तालाब उसमें अभी सब सफाई हुआ है, और इसमें ढेर सारे कमल कमल के फूल आते हैं, पर अभी सफाई हुआ है ना, तो अभी इसमें कुछ भी नहीं है। अभी जस्ट आंवला नवमी से 3 दिन पहले छठ होता है, उसमें सब सफाई हुआ है, तो उसके वजह से अभी अब कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, धीरे धीरे जो अंदर का जो कमल का जो रूट होता है ना, वो धीरे धीरे इसमें हो जाएगा, लगेगा, अभी टाइम लगेगा, गर्मी में हो जाएगा। तो ऐसा तालाब है और सब तरफ छठ। और यहाँ पे है पीपल का पेड़, उसके नीचे शिव जी का मंदिर, इधर सब तरफ आंवला नवमी पूजन करके सब पिकनिक मना रहे हैं। सब यहाँ पे पिकनिक की जैसा कोई खाना भी बनाते हैं और खाते भी हैं, और कोई खरीद कर भी, कुछ भी जिसको जो समझ में आया, और कोई पूजा करने के बाद फिर फेरी देते हैं आंवला पेड़ में, और फिर उसके बाद आपको जो समझ में आया आप खा सकते हो, फल प्रसाद कुछ भी। और कितने लोग यहाँ पे आकर अपना जो भी जिसको समझ में आया, मतलब आंवला के पेड़ के नीचे खाने की परंपरा है, जो आज अक्षय नवमी के दिन हम आंवला का पूजन करते हैं, तो हमारा जो किया हुआ पुण्य होता है वो अक्षय हो जाता है। तो कितना सब बांटते भी हैं खाने को, और भंडारा जैसा करते हैं, और अपना अपने खाते भी हैं। इस तरह से आप आंवला का पूजन कर सकते हैं, आंवला का पूजन करना चाहिए, और आंवला आप लगाइए घर में, घर में भी आप लगा के आंवला पूजन कर सकते हैं, तो एक आपका प्लांट भी लग जाएगा और फल भी आएंगे, और ऊपर से आप पूजा भी करेंगे। और यह है शिव जी का मंदिर, और इसमें सब तरफ से बीच में शिव जी है, और सब तरफ से भगवान जी हैं, सब भगवान हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, और सब मतलब राम जी सबका, मतलब बीच में शंकर जी हैं, और साइड साइड में सब भगवान जी हैं, और फिर उधर माता रानी का मंदिर है, उधर विश्वकर्मा मंदिर है, तब सारा ही बहुत बड़ा है, बहुत दूर में ही है ये मंदिर, बहुत दूर में है। और वहाँ पे है गुरुद्वारा, और वहाँ पे है सरकारी अस्पताल, देखिए। चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में।